नालछा नगर में डोल ग्यारस पर्व पर पिछले 80 वर्षों से एक अनूठी परंपरा चली आ रही है, जहां नगर के वरिष्ठ समाज सेवी प्रकाश गंगवाल के घर का ओटला कवियों के लिए काव्य पाठ का मंच बन जाता है और सड़क श्रोताओं के बैठने की जगह इस आयोजन का न तो कोई पहले से कोई प्रचार प्रसार होता है, न पहले से कोई कवि आमंत्रित रहते हैं। जिसको काव्य पाठ करना हो वो कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के डोल नदी किनारे पहुंचने के बाद महाआरती होती है और प्रसादी वितरण के बाद कवियों और श्रोता दोनों ओटले पर जुटने लग जाते हैं और फिर शुरू होता है ओटला कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन की परंपरा को प्रारंभ करने वाले कवि रहे स्वर्गीय राम अवतार जायसवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर कवि सम्मेलन प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम नगर के उभरते हुए युवा कवि राम राठौड़ ने देशभक्ति पर आधारित वीर रस की ओजस्वी पंक्तियां पढ़ी, जिससे सदन भारत माता की जय के जयघोष से गूंज उठा। नगर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राधेश्याम शर्मा की धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय की कविता को काफ़ी सराहना मिली। शिक्षक रतनलाल राठौड़ द्वारा नालछा पंचायत द्वारा हाल ही में प्रारंभ हुए कचरा वाहन पर स्वच्छता का संदेश देती हुई कविता पीली है ट्राली और ट्रैक्टर है लाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कविता पढ़ी। उन्होंने नर्मदा लाओ मालवा बचाओ पर आधारित कविता पर भी काव्य पाठ किया और नगरवासियों की ओर से व्यंग पर आधारित मुख्यमंत्री की चिट्ठी का वाचन किया, जिससे पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। नालचा से विनीत यादव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के